जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, बीएसएफ के अंदर जो एएसआई स्टेनो की पोस्ट आई है, जो भी नई वैकेंसी आई है, इसकी जॉब प्रोफाइल के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि बीएसएफ के अंदर एएसआई स्टेनो की जॉब कैसी रहती है, क्या उनको काम करना पड़ता है, वर्कलोड कितना रहता है, क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, कौन कौन सा काम करना पड़ता है एएसआई स्टेनो को। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बीएसएफ के अंदर हम एएसआई स्टेनो की पोस्ट की जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो जो एएसआई स्टेनो से जो बच्चे भर्ती हो जाएंगे, उनका जो वर्क होता है ऑफिशियल वर्क होता है। लेकिन जैसे आप एचसीएम पोस्ट पे भर्ती होते हैं हेड कांस्टेबल इनिशियल का, उनका भी ऑफिशियल वर्क होता है। एएसआई स्टेनो से आप भर्ती हो जाएंगे तो इनका भी ऑफिशियल वर्क होता है। लेकिन एएसआई स्टेनो को क्या होता है कि एक तो एएसआई स्टेनो की मतलब जो रैंक होती है वो 1 स्टार होती है, और इसके अलावा जो एएसआई स्टेनो होता है वो एक प्रकार से पीए की ड्यूटी करता है। जो पीए मतलब जैसे आपकी किसी भी बटालियन के अंदर पोस्टिंग होगी, उस बटालियन का जैसे हेड होता है कमांडेंट बटालियन लेवल के ऊपर। इससे हाई लेवल में आप जाएंगे तो फिर डीआईजी, फिर आईजी, इस लेवल के अफसर बैठते हैं। तो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर जो होता है, वो मिनिमम कमांडेंट रैंक का पीए होता है। यानी कि कमांडेंट जहाँ पे पोस्टेड होगा वहीं पे एएसआई स्टेनो की पोस्टिंग होगी। यानी कि बटालियन लेवल पे जब आपकी पोस्टिंग होती है तो बटालियन के अंदर जो कमांडेंट होगा उसके अंडर में आपको काम करना, उसकी पीए की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो वर्क जो इनका होता है वो कमांडेंट महोदय के द्वारा जो कार्य बताए जाते हैं वही कार्य एएसआई स्टेनो को करना पड़ता है। जैसे कमांडेंट महोदय ने कोई भी आदेश निकाला, सभी जवानों को इस आदेश का पालन करना है, या कोई वेलफेयर के संबंध में कोई भी जानकारी मतलब जवानों को कंपनी लेवल पे पोस्ट लेवल पे पहुंचाना होता है, तो जो कमांडेंट का जो कार्य होता है, कोई भी ऑर्डर निकालना है या कुछ भी मतलब आदेश पारित करना होगा, वो एएसआई स्टेनो टाइप करेगा उसको और वो आदेश पारित हो जाएगा। इसके अलावा जो बटालियन लेवल के ऊपर जितने भी अफसर होते हैं उन सभी का रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखना है, अफसरों के क्लेम वगैरह देखने हैं। यानी कि जो अफसर का जितने भी, क्योंकि अगर आप यूनिट लेवल पे पोस्टेड होते हैं तो यूनिट लेवल पे ज़्यादा अफसर नहीं होते हैं, जैसे 8-10 अफसर, 12 अफसर होंगे, उन सभी अफसर का रिकॉर्ड वगैरह रखना एएसआई स्टेनो का काम होता है। इसके अलावा जो वर्क कमांडेंट के अंडर में होते हैं, जैसे सभी जवानों का, जैसे फोर्स के अंदर क्या होता है कि हर जवान का एक एनुअल रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो एनुअल रिकॉर्ड में आपका कार्य अच्छा रहा है, संतोषजनक रहा, बहुत अच्छा रहा है, ये मतलब आपके जिस जहाँ पे पदस्थ होते हैं वहाँ पे कंपनी कमांडर आपका एक मार्क देता है, उसके बाद कमांडेंट मार्क देता है, तो उन सभी का जो मेंटेन होता है वो भी एएसआई स्टैंड रखता है। इसके अलावा जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह, सब इंस्पेक्टर वगैरह, जिनकी छुट्टी सेंशन कमांडेंट करता है, वो एएसआई स्टैंड के थ्रू होती है। यानी कि जो वर्क कमांडेंट को करना है वो एएसआई स्टैंड के थ्रू होकर आपके वर्क होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो जो एएसआई स्टैंड का भी वर्क ऑफिशियल है, यानी कि उसको कंप्यूटर में बैठ के काम करना, ऑफिस का वर्क करना है, लेकिन वो कमांडेंट के डायरेक्ट टच में रहता है और कमांडेंट के अधीन उसको वर्क करना पड़ता है एएसआई स्टेनो को। तो लगभग मतलब अगर जॉब देखा जाए तो वही इनके एचएम के समक्ष जॉब है, मतलब सेम जैसी जॉब है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होता है कि एक तो रैंक का फर्क हो जाता है और एक थोड़ा वो डायरेक्ट कमांडेंट के अंडर में काम करता है। इसकी हम ड्यूटी हावर्स की बात करें तो जो एएसआई स्टेनो का जो ड्यूटी हावर्स होता है ये मिनिस्ट्री स्टाफ के अंदर में आता है। जैसे बटालियन लेवल के ऊपर जो मंत्रालय के स्टाफ होते हैं, जो मिनिस्टर जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एएसआई मिनिस्ट्रियल, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल, इसी के साथ में काम करता है। तो कहीं कहीं पे जैसे मतलब अगर इनका अलग से एक ऑफिस होता है, स्टेनो को अलग से केबिन मिलती है काम करने के लिए, या कहीं पे अगर सुविधा नहीं होते तो जो मिनिस्ट्री स्टाफ के डिपार्टमेंट होता है, जो मेन ऑफिस होता है, उसी के अंदर बैठ के वर्क करता है। तो एएसआई स्टेनो का भी वर्क सेम वही ऑफिशियल वर्क होता है। ड्यूटी का जो टाइम होता है उनकी जनरल ड्यूटी होती है, जैसे 9:30 से लेके आपकी 6 बजे तक ड्यूटी है, 5:30 तक ड्यूटी है, या फिर 10 से 6 है, जो एक नॉर्मल टाइम होता है। तो मतलब मौसम के हिसाब से, या फिर आपकी बटालियन जहाँ पे या आपकी तैनाती हुआ उस क्षेत्र के अंदर कैसा मौसम है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस का वर्क किस टाइम पर शुरू होता है। तो इनका जो वर्क होता है उसी पर डिपेंड करेगा मौसम के अनुसार, या फिर जैसे जहाँ पे ड्यूटी है, जैसे आपकी ठंड एरिया के अंदर ड्यूटी है या गर्म एरिया में ड्यूटी है, किस प्रकार से ड्यूटी है। लेकिन लगभग वही है, 9:30 से कहीं से पे 9 पे, कहीं से 10 बजे से लगभग 8-8.5 घंटे की ड्यूटी इनकी रहती है। बीच में आपको लंच टाइम भी मिलता है, तो ड्यूटी एक बेहतरीन ड्यूटी है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जैसे जीडी से मिनिस्ट्री स्टाफ की जो ड्यूटी होती है वो बेहतरीन ड्यूटी है, तो आपकी किसी प्रकार की नाई ड्यूटी नहीं लगती है, किसी प्रकार के ऑपरेशन वगैरह के अंदर आपको यूज में नहीं लिया जाता है, या फिर आपको कोई कैंप मेंटेनेंस, हेड एम ड्यूटी, ये सब भी नहीं करनी पड़ती है। आपकी जो ड्यूटी रहती है वो ऑफिशियल ड्यूटी रहती है, और कमांडेंट के अधीन आपको कार्य करना पड़ता है। एक प्रकार से कमांडेंट के पीए की ड्यूटी आपको करनी पड़ती है।
वर्कलोड की हम बात करें तो वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं रहता है, नॉर्मल सा वर्क रहता है। कमांडेंट के द्वारा जो आदेश निकलते हैं या जो मैंने जो जो वर्क बताए वही वर्क करने पड़ते हैं। और कहीं कहीं पे अगर आप कभी ऐसा लगता है कि आपके पास वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो आपको असिस्टेंट के रूप में जिले का जवान भी मिल जाता है, नहीं तो आपको काम आसानी से हो जाता है। ये तो है नहीं कि आपको हाथ से काम करना पड़ता है, आजकल मैक्सिमम जो वर्क होता है वो कंप्यूटर पर होता है, तो कंप्यूटर पे वर्क करने से आपका क्या सब कुछ लगभग जो ऑर्डर वगैरह जो भी चीज़ें होती कंप्यूटर फीड रहती हैं, डेट वगैरह नाम नंबर चेंज करके करना होता है। लेकिन इसके अंदर अगर लोड होगा तो आपको असिस्टेंट मिल जाएगा। और अगर हम जॉब बात करें तो बेहतरीन जॉब है ASI स्टेनो की, जो जॉब है BSF के अंदर आप अगर भर्ती हो जाते हैं तो बहुत बेहतरीन जॉब है, अच्छी जॉब है। इसके अलावा आपकी फैमिली लाइफ भी इसके अंदर बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि जब आप किसी भी बटालियन के हेडक्वार्टर में पोस्टेड रहते हैं या फिर हाई लेवल में पोस्टेड होते हैं तो मैक्सिमम जगह पे फैमिली रखने की सुविधा होती है। तो जहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स कैंप के अंदर बने होते हैं वहाँ पे आप फैमिली कैंप के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ड्यूटी कैंप के बाहर मतलब या फिर आपकी ड्यूटी कहीं ऐसी जगह लग जाती है जहाँ पे मतलब फैमिली रखने की सुविधा नहीं है, हार्ड एरिया, तो वहाँ पे तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जहाँ पे फैमिली रखने की मतलब सुविधा है या एरिया शांत है, और अगर आपको कैंप के अंदर भी क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर भी परमिशन लेके मकान किराए पर लेकर अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। छुट्टी जो होती है वो जो सभी जवानों को मिलती है साल में 2 महीना EL 15 दिन CL वही छुट्टी आपको मिलती है। इसके अलावा हर संडे को आपका अवकाश रहता है, और जो भी गवर्नमेंट छुट्टी होगी उसके अंदर भी आपका अवकाश रहता है, क्योंकि जिसके अंदर पूरे कार्यालय बंद रहते हैं और तो उस दिन आप अवकाश करके आप अपना फैमिली साथ में रखे हैं तो आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपने परिवार साथ में नहीं रखा है तो आप कैंप के अंदर भी अपना रेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ASI स्टेनो की जो जॉब है वो बेहतरीन जॉब है, और इनका जो वर्क होता है वो मतलब किसी प्रकार का फील्ड का वर्क नहीं है, या एक प्रकार से बोला जाए कि जैसे GD के जवान जो ऑपरेशनल ड्यूटीज वगैरह करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं बॉर्डर के ऊपर जैसे प्लाटून पोस्ट वगैरह सेक्शन पोस्ट में, इन प्रकार की ड्यूटी नहीं होती है, आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है, लाइफ टाइम आपको यूनिट हेडक्वार्टर में रहना होता है। और इसके बाद में जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, प्रमोशन होने के बाद में आपको हाई मतलब ऑफिस मिलने लग जाएगा, जैसे अभी आप कमांडेंट के PA हैं, उसके बाद DIG IG के, जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी तो आपकी जो पोस्टिंग हो बटालियन लेवल में होनी बंद हो जाएगी, फिर आपको जैसे फ्रंट हेडक्वार्टर या जैसे बड़े बड़े ऑफिस होंगे उन्हीं के अंदर आपकी ड्यूटी होगी जो कि ऑलरेडी सिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन पोस्ट है और सैलरी भी अच्छी खासी है, क्योंकि 29,200 से आपकी बेसिक पे शुरू होती है, तो अगर भर्ती होते आपकी सैलरी 50,000 से क्रॉस कर जाती है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग जहां होगी उस क्षेत्र के अंदर हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ASI स्टेनो की जो प्रोफाइल आपको समझ में आ गई होगी, मैंने लगभग सभी आपका इसकी जो प्रोफाइल फैमिली लाइफ इसके अलावा सैलरी तक का बता दिया है, तो जहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो इसके संबंध में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।